हम सब भारतवासी, खासकर थोड़ी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी या अंग्रेजियत में डूबे हुए भारतवासी, उन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा बदली है और उसके बाद अपनी भूषा बदली, अपने वस्त्र बदले हैं, अपना पहनावा बदला है। और पहनावा इतना विचित्र और मूर्खता भरा है कि हंसी आती है। हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके कोट पहनना शुरू किया, हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके पैंट पहनना शुरू कर दिया, हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके टाई लगाना शुरू कर दिया, और तो और नेक टाई लगाना शुरू कर दिया जो सिर्फ गर्दन तक को ही कवर करती है। ये कोट है, पैंट है, टाई है, और थ्री पीस सूट है, और लंबा वाला कोट है या ओवर कोट है, ये सब यूरोप के देशों में, खासकर इंग्लैंड और उसके आसपास के इलाके में पहने जाने वाला पहनावा है। और उस इलाके में कोट पैंट टाई के अलावा दूसरा पहनावा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है। जिस इलाके में ठंड बहुत होती है, जहाँ सर्दी बहुत होती है, वहाँ ठंडी हवाएं भी बहुत चला करती हैं। यूरोप के इलाके में दो दुष्परिणाम हैं या दो मुश्किलें हैं, एक तो ठंड बहुत है और दूसरा काफी इलाका समुद्र के किनारे वाला है। आपको मालूम है समुद्र के किनारे के इलाके में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और ठंडा इलाका हो तो ठंडी हवाएं चलती हैं। मैदानी इलाके में हवाओं की जो गति होती है, समुद्री इलाके में हवाओं की गति उससे दोगुनी तीन गुनी ज्यादा होती है। हम सामान्य रूप से मैदान के क्षेत्र में रहें तो वहां हवा इतनी तेज नहीं मिलेगी, लेकिन हम समुद्र के किनारे चले जाएं वही हवा बहुत तेज हो जाएगी। तो यूरोप तो ऐसे ही इलाके में है, अमेरिका भी काफी कुछ ऐसा ही इलाका है जहाँ ठंड बहुत है। ये यूरोप और अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है, और उत्तरी ध्रुव दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा है, तो उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यूरोप और अमेरिका कनाडा वाला इलाका बहुत ठंडा है। तो ठंडे इलाके के लोगों के पहनावे वैसे ही होते हैं जैसा होना चाहिए। अब ठंडा इलाका है, हवा बहुत तेज चलेगी, तो ठंडी हवाओं से बचने के लिए आपको ऐसे कपड़े चाहिए जो एकदम चुस्त हों, और ज्यादा चुस्त हों तो ज्यादा गर्मी उन कपड़ों में आपको मिल पाएगी और बाहर की ठंड से आप बच पाएंगे। गले के आसपास का जो क्षेत्र है इसको भी बंद करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ठंडी हवा आपके गले को प्रभावित कर देगी। तो गले के आसपास का क्षेत्र बंद हो, इसके लिए टाई की जरूरत पड़ सकती है। ये सारा आपका शरीर का इलाका बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गर्मी से, तो इसके लिए कोट की जरूरत पड़ सकती है, थ्री पीस सूट की जरूरत पड़ सकती है, ओवर कोट की जरूरत पड़ सकती है। पांव आपके जो हैं ठंड से बचे रहें, ज्यादा तकलीफ में ना आए, तो चुस्त पैंट पहनने की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो वहां के लोगों ने अपनी आबो हवा के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से अपनी पोशाक बनाई, चुस्त पैंट बनाई, चुस्त शर्ट बनाई, फिर कोट बनाया, फिर टाई बनाया, फिर ओवर कोट बनाया, फिर नेक टाई बनाई। ये सब वहां के जरूरत के हिसाब से, वहां की जलवायु के हिसाब से है। अब हम भारतवासियों ने बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हुए पश्चिम की और यूरोप अमेरिका की इस पूरी पोशाक को अपने शरीर पर ओढ़ लिया। अब ओढ़ लिया तो इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। भारत का तो मुश्किल ये है कि भारत का दो तिहाई इलाका, या बल्कि और मैं थोड़ा अच्छा कहूं तो तीन चौथाई, दो तिहाई नहीं तीन चौथाई, भारत का तीन चौथाई क्षेत्रफल तो गर्मी वाला है, और गर्मी वाला नहीं भयंकर गर्मी वाला है। अगर आप शुरू करें इस पूरे हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और थोड़ा बहुत हिमालय की तलहटी में भारत का जो इलाका पड़ता है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो मुश्किल से एक चौथाई इलाका है, बाकी तो सारा इलाका गर्मी वाला है। या तो गर्मी पड़ती है या भयंकर गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर निकल जाता है, और साधारण गर्मी भी होती है तो भी तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो जहाँ 25, 26, 27 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच का तापमान हो, ये 27 डिग्री से 50 डिग्री के तापमान का जो बीच का क्षेत्र है ना, ये वो क्षेत्र है जब शरीर में पसीना आ सकता है। 27 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कभी भी पसीना आपको आ सकता है। 50 डिग्री पे तो भयंकर पसीना आएगा, 27 डिग्री पे भी हल्का फुल्का पसीना आ सकता है। तो माने शरीर में पसीना आ जाए, इतनी गर्मी आपके सामान्य वातावरण में हो, और उस वातावरण में आप थ्री पीस सूट और कोट और टाई और ओवर कोट लाद लें, तो मूर्खों के मूर्ख ही दिखाई देंगे, और क्या दिखाई देंगे।
भयंकर गर्मी और ऊपर से जून की गर्मी, चिलचिलाती हुई गर्मी, उसमें सूट पहन के, कोट पहन के, टाई लगा के दूल्हे राजा शादी कराने के लिए जाते हैं, वकील कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए। हमारे देश की जो अदालतें हैं, सामान्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जिला अदालतें या उसके नीचे की तहसील अदालतें, एक भी अदालत एसी नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है। माने भारत के 685 जिलों में एक भी अदालत एयर कंडीशन नहीं है। अगर एयर कंडीशन अदालतें हैं तो कुछ हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील एक बार को कोट पहन लें, टाई लगा लें, तो उनके बार उनके कोर्ट रूम तो एसी हैं, वो टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ठंडे और गर्म के हिसाब से। अब जिला अदालतों के वकील जहाँ बिल्कुल एसी नहीं है, कभी कभी तो पंखा भी नहीं चलता है, बिजली भी नहीं आती है, वहाँ भयंकर टाई कोट सूट पहन के, और वो भी काला, जो सबसे ज़्यादा गर्मी देता है, बहस करें और बहस के समय और ज्यादा गर्मी आए और ज्यादा पसीना निकले तो अंदर ही अंदर वो पसीना कोट में चिपकता रहे, फिर उस पसीने से कोट का पूरा कॉलर सफेद सफेद हो जाए, कोट को उतार के रखें तो पसीने की बदबू 10 मीटर दूर तक जाए। और मैंने देखा है हमारे वकील मित्रों को महीनों महीनों वो कोट धुलता नहीं है क्योंकि वो एक ही होता है या दो होते हैं, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ भूषा के स्तर पे बनी हुई। और इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात है कि ऊपर का कोट और टाई वाई तो इतना गर्म करने वाला, टाइट जीन्स और चढ़ा लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो गर्म है, मैंने आपसे कहा या तो गर्म है या समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है, माने सामान्य जलवायु, ठंडी जलवायु तो यहाँ बहुत ही कम है और बहुत थोड़े दिन के लिए है। तो जहाँ गर्मी है वहाँ पाँव में भी, शरीर में भी ताज़ा हवा, खुली हवा, ठंडी हवा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारे देश की पोशाकें बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के लोग एक पोशाक पहनते हैं जिसको लुंगी कहते हैं, उत्तर भारत के लोग उसी पोशाक को धोती की तरह से पहनते हैं। लुंगी और धोती एक ही तरह का वस्त्र है, बांधने के तरीके में थोड़ा अंतर है। लुंगी थोड़ा चौड़ाई लंबाई में कम है, धोती थोड़ा चौड़ाई लंबाई में ज्यादा है, लेकिन दोनों ही बिना सिला हुआ है। तो हमारे भारत में बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने की बहुत हजारों साल पुरानी परंपरा है, इसको बहुत पवित्र माना जाता है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे भारत देश में जब लोग संन्यास ग्रहण करते हैं ना, तो उसका पहले कदम के रूप में ही ये बात आती है कि बिना सिले हुए वस्त्र पहनने हैं संन्यासी होने के बाद। तो हमारे भारत में जो सन्यासी पहन सकते हैं वो सबसे पवित्र वस्त्र होते हैं, और सन्यासी जो पहन सकते हैं वो बिना सिले हुए वस्त्र ही होते हैं। इसका मतलब बिना सिले हुए वस्त्र सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं। ये पवित्रता का जो जुड़ाव है, ये शायद मुझे लगता है कि आबो हवा जलवायु की जरूरत के हिसाब से है। हमारी जलवायु गर्म है, आबो हवा गर्म है, तो हमारे लिए ऐसे ही वस्त्र अच्छे हैं जिनमें खुली हवा जाती रहे और अंदर से गर्म हवा आती रहे। अब हमने अंग्रेजों की नकल करके, यूरोप के लोगों की नकल करके टाइट पैंट, टाइट जीन्स, टाइट शर्ट, टाइट कोट, टाई वगैरह वगैरह पहनना शुरू किया। अब पैंट एकदम टाइट है, जीन्स एकदम टाइट है, ना तो उसमें हवा अंदर जा सकती है खुली हुई, ना अंदर की गर्म हवा बाहर आ सकती है, तो अंदर से पसीना पसीना होता रहता है। फिर उस पसीने के कारण चर्म रोग होते रहते हैं। उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए बीसियों किस्म की दवाएं हम रगड़ते रहते हैं अलग अलग अंगों पे। ऐसे मूर्ख लोग हैं हम, वो कपड़े को उतार के नहीं फेंक देते, उस कपड़े के कारण जो चर्म रोग हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते रहते हैं। आपको मालूम है हमारे पांव का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां ताजा और स्वच्छ हवा नहीं जाए और पसीना वहां पर इकट्ठा होता रहे तो भयंकर खुजली पैदा हो सकती है। उस खुजली को खुजाने में परेशान होते रहेंगे, उस खुजली को ठीक करने में दवाओं की तलाश करते रहेंगे, कभी एक वैद्य के पास, कभी दूसरे हकीम के पास, ऐसा एक छोटा सा काम नहीं करते कि वो टाइट जीन्स और पैंट को उठा के फेंक दें और उसकी जगह पर लुंगी लपेट लें या धोती पहनना शुरू कर दें या थोड़ा खुला हुआ पजामा पहनना शुरू कर दें। कम से कम वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है इस पैंट की तुलना में। हमने कई बार ऐसी मूर्खताएं अपने जीवन में कर रखी हैं इस भूषा के स्तर पर जिनका कोई तर्क समझ में नहीं आता। जैसे
बहुत भारतवासियों को मैंने देखा है मोजे पहन के घूमते रहते हैं जूतों में। अब जूते वैसे ही बहुत गर्म है, उसमें मोजे और डाल लिया आपने। अब ये पांव जो होता है ना, नीचे का हिस्सा, अगर आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी की बात करेंगे और उसको पढ़ेंगे और सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ये अक्सर खुला हुआ रहना चाहिए ताजा हवा के लिए। लेकिन हमने एक तो जूते डाल लिए, जूते के ऊपर और मोजे चढ़ा लिए, तो मोजे के अंदर पसीना भरता रहता है और जूतों के कारण वो और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो मोजों में इतनी तेज बदबू आती है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है घर में जाके जैसे ही जूते उतारते हैं तो मोजे की बदबू घर के बाहर तक चली जाती है, पूरा घर जो है वो मोजे की बदबू से भरा हुआ रहता है। फिर उन मोजों को बंद करके अलमारी में और रख देते हैं तो बाकी सारे के सारे कपड़े भी बदबूदार हो जाते हैं। अब उन लोगों को कहो कि भाई ये मोजे की जरूरत भारत में नहीं है, ये यूरोप में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, क्योंकि बर्फ पड़ती है। आपको मालूम है साल में 6 महीने बर्फ पड़ती है ये यूरोप और अमेरिका वाले एरिया में, कुछ कुछ क्षेत्र में तो 8 महीने तक बर्फ पड़ती है। तो ज्यादा बर्फ पड़े तो पांव एकदम गलने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में मोजे और जूतों की जरूरत पड़ती है। भारत में तो कम से कम 3/4 इलाका ऐसा है जहां कभी बर्फ नहीं पड़ती, और 1/4 इलाके में साल में 15-20 दिन, बहुत अधिक तो महीने भर बर्फ पड़ती है। तो उतने दिन के लिए अगर वो लोग मोजे पहने जो 1/4 इलाका भारत का बर्फ वाला है, उनको ही बात तो समझ में आती है। पूरे भारतवासी मोजे पहन के घूमते रहते हैं, भरी गर्मी में मोजे पहने रहते हैं, जून की गर्मी में, जुलाई की सड़ी हुई गर्मी में, जब बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है और खराब गर्मी होती है। ये मोजों का बड़ा विचित्र विज्ञान है। हमारे भारत में तो सन्यासियों के लिए जो पहनावा है वो खड़ाऊ है, और गृहस्थ लोग भी पहनते रहे। परम पूजनीय स्वामी जी की जो खड़ाऊ है वो बहुत वैज्ञानिक है। एक तो लकड़ी की है, लकड़ी आप जानते हैं ऊष्मा की कुचालक होती है, और पृथ्वी आप जानते हैं बहुत बड़ी ऊष्मा की सुचालक है। तो पृथ्वी से आपके शरीर का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो टूटा रहे, माने आपकी ऊष्मा और ऊर्जा पृथ्वी में ना चली जाए और बिना किसी कारण आपका बड़ा नुकसान ना होने पाए, इसके लिए लकड़ी की खड़ाऊ दी गई है। और लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होने के कारण पृथ्वी और आपके शरीर के बीच में एक माध्यम बन जाती है, ताकि ऊष्मा का, ऊर्जा का, बेकार का प्रवाह पृथ्वी में ना होने पाए। इतने वैज्ञानिक तरीके से ये खड़ाऊ बनती है, जिसका उपयोग हजारों साल से इस देश में होता रहा। हमने वो खड़ाऊ छोड़ दी, और उस खड़ाऊ को छोड़कर यूरोप और अमेरिका की नकल करने वाले जूते खरीद लिए, और उन जूतों में फंस गए मोजे, और मोजे में फंस गई बदबू, और बदबू में फंस गया पूरा घर और परिवार, जो परेशान होता रहता है। हमारे देश में भगवान श्री राम का कहानी देखें, भगवान श्री कृष्ण का देखें, ये सब खड़ाऊ पहनने वाले लोग थे। श्री राम ने हमेशा खड़ाऊ पहनी, लक्ष्मण जी हमेशा खड़ाऊ पहनते रहे, बजरंगबली को देखें हनुमान जी को वो खड़ाऊ पहनते रहे, श्री कृष्ण खड़ाऊ पहनते रहे, युधिष्ठर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब खड़ाऊ पहनकर हमारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए। और आप तो जानते हैं, एक हमारे यहाँ मुहावरा चलता है जो वास्तविकता पर आधारित है, कि श्री राम ने अपना राज्य तो खड़ाऊ की मदद से ही चलाया। भगवान श्री राम तो गए नहीं गद्दी पर, कुर्सी पर बैठने के लिए, उनकी खड़ाऊ रखी रहती थी कुर्सी और गद्दी पर, उसके द्वारा राज्य चलाया जाता था। तो खड़ाऊ बहुत महत्व की चीज है हमारे देश में। जो खड़ाऊ 14 वर्षों तक किसी राज्य का संचालन कर सकती है और राम राज्य का संचालन कर सकती है, साधारण राज्य नहीं, राम राज्य। राम राज्य में जहां कोई दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भुखमरी का शिकार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, जहां अतिवृष्टि नहीं है, जहां अनावृष्टि नहीं है, माने जीवन का कोई दुखी नहीं है, ऐसा राज्य राम राज्य, और वो खड़ाऊ के द्वारा संचालित हुआ हो 14 वर्ष, तो अंदाजा लगा लीजिए खड़ाऊ का कितना बड़ा महत्व रहा होगा इस देश में। और भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई, जब उनको बुलाने के लिए गए वन में, तो श्री राम ने कहा कि मेरी खड़ाऊ ले जाओ, तो बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ भरत उन खड़ाऊ को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए, माने अयोध्या तक लेके आए। खड़ाऊओं का स्थान सिर में रहा है, हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया। क्या हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, कहां खड़ाऊ और कहां जूता। तो आप इस जूता संस्कृति से
थोड़ा बाहर निकलें। ये सांस्कृतिक पतन है हमारा, जूते का पहनावा। और जूते का पहनावा ऐसा, एक जोड़ी जूता नहीं, दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, चार नहीं पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, पचास, और लोगों को ड्रेस के हिसाब से जूता। हम शायद इस उम्मीद में, इस कल्पना में इसको धारण किए रहते हैं कि इससे हमारा कोई स्टेटस सिंबल बढ़ता है, वो मूर्खता बढ़ती है। इसलिए हम इस सांस्कृतिक अधःपतन के इस स्तर पर आके खड़े हो गए हैं कि अपनी खड़ाऊं छोड़ी है, अपनी जूतियां छोड़ी हैं। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाऊं का उपयोग नहीं कर सकते, तो जूतियां इस देश में बनाई जाती हैं। जूतियां बहुत वैज्ञानिक हैं, जूतों की तुलना में तो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हैं। मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती हैं। जूतियां इतनी अद्भुत होती हैं कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, बराबर घिसती हैं। जूते की तरह से नहीं होती, जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है, दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इसका माने जूतियां जूतों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है, और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है। और वैसे भी जूता जो है ना, बहुत खराब ये माना जाता है हमारे यहाँ धार्मिक रूप से कि वो मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता है। तो और हमारे यहाँ जूतियाँ जो बनती रही हैं वो स्वाभाविक मृत्यु से जो जानवर मरते हैं उनके चमड़े की ही जूतियाँ बनती हैं, लेकिन जूते बनाने के लिए जानवरों को कत्ल करना पड़ता है, मारना पड़ता है बेमौत समय से पहले, तब जाके वो कुर्म बनता है, उससे जूता बन पाता है। तो ये जूते में हम फंस गए, ये विदेशी माने एक तरह से अंधानुकरण, पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी बड़ी निशानी है। इसी तरह से मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ भारतीय पहनावे के बारे में। ये जो धोती होती है या लुंगी होती है, जो बिना सिला हुआ कपड़ा है, इसको पहनने के लिए आप चाहें तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं, सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं। धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है, बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है, मराठी तरीके से बांधा जा सकता है, गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है, उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं क्योंकि वो बिना सिला हुआ है। पैंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं क्योंकि वो सिला हुआ है। और अगर इस धोती के बारे में कोई बड़ी बात मुझे कहनी हो तो धोती भारतीय संस्कृति की सबसे जीवंत निशानी है, जिसको देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र का है। मैं जो है ना, या आप साधारण रूप से, आपके सामने कोई माँ को खड़ा किया जाए जो असमिया पद्धति से धोती बांधे हुए हो, कोई माँ को खड़ा किया जाए जो मराठी पद्धति से बांधे हुए हो धोती, किसी माँ को खड़ा किया जाए जो गुजराती पद्धति से धोती बांधे हुए हो, किसी माँ को खड़ा किया जाए जो पंजाब या हरियाणा की पद्धति से धोती बांधे हुए हो, और उनके नाम के आगे कुछ न लगाया जाए कि ये कहाँ की माँ है, हरियाणा की है, आसाम की है, बंगाल की है, कहाँ की है, खाली धोती बांधे हुए वो खड़ी है, आप एक मिनट में बता देंगे ये माँ आसाम की है, ये माँ बंगाल की है, ये माँ पंजाब की है, ये हरियाणा की है, ये गुजरात की है, या ये जम्मू कश्मीर की है। माने धोती बांधने के तरीके मात्र से पूरा परिचय हो जाता है बिना बोले हुए। लेकिन पैंट पहने हुए आदमी को आप नहीं बता सकते कि ये इंग्लैंड का है, आयरलैंड का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, या अमेरिका का है, या कनाडा का है, क्योंकि पैंट एक जैसी है सभी जगह, धोती बांधने के तरीके एक जैसे नहीं है कहीं भी। मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि धोती वस्त्र तो एक ही है, बांधने के तरीके जो है ना वो अलग अलग है। एक क्षेत्र के हिसाब से एक तरीका, दूसरे क्षेत्र के हिसाब से दूसरा तरीका। महाराष्ट्र की माताओं को देखा धोती बांधे हुए तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है क्योंकि महाराष्ट्र की वैसी जरूरत है। आसाम की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, बंगाल की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए क्योंकि वहां की जरूरत बिल्कुल अलग है। हर क्षेत्र के, हर परिवेश के, जलवायु और जरूरत के हिसाब से बांधने का तरीका विकसित हुआ है। वस्त्र तो एक ही है धोती, जो 5 मीटर का या 5 गज का वस्त्र तो एक ही है, सारे देश में एक ही तरीके से बनता है, लेकिन बांधने के तरीके में जो अंतर है
उसी को मैं भारतीय संस्कृति मानता हूं, और जो धोती एक वस्त्र है उसको मैं भारतीय सभ्यता मानता हूं। ये जो धोती है वो भारतीय सभ्यता है, और धोती बांधने का जो तरीका है वो भारतीय संस्कृति है। संस्कृति क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बदलती रहती है, सभ्यता पूरे देश में लगभग एक जैसी होती है। तो हमारी सभ्यता की निशानी धोती, हमारी सभ्यता की निशानी लुंगी, जिसको बांधने के अलग अलग तरीके हैं जरूरत के हिसाब से, और बांधे नहीं तो उसके उपयोग के और बीसियों तरीके हैं। मान लीजिए लुंगी पहन के आप जा रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा पात्र नहीं है, और आपको ढेर सारी सब्जी लेके आनी है, लुंगी का एक हिस्सा आप उसमें सब्जियां भर के लेके आ सकते हैं। अगर आप कहीं से धान्य लाना चाहते हैं, धोती का एक हिस्सा आपने खोला, उसमें धान्य बांध के भी आप ला सकते हैं। कुछ भी लाने ले जाने में आसानी है धोती और लुंगी में, पैंट में क्या ला सकते हैं? उतना ही ला सकते हैं जितनी जेब में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ला सकते। और अगर जेब में भर भी लिया तो चलने में इतनी तकलीफ होगी कि आप शायद चल नहीं पाएंगे उससे। तो ये पैंट कोट और शर्ट में हम फंस गए, लुंगी धोती वाली सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर। ये हमारे सांस्कृतिक अधपतन की निशानी है। मेरा ये मानना है कि भारतवासी जो भी थोड़े अंग्रेजी के प्रभाव में है, अंग्रेजियत के प्रभाव में है, उनको जितना जल्दी हो अपनी उस भूषा को बदल लेना चाहिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से।